मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ गाइस। तो गाइस आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए मैं चल रही हूँ नीचे दुकान में, मैंने खाना ना खा लिया है। मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, अभी मैम आएंगी पढ़ाने के लिए, तो वो पढ़ाई कर रहा था। 3 बजे मैम का टाइम है, अभी 2 बज रहा है, मैम आएंगी। मैम का होमवर्क नहीं किया था, तो मैम का होमवर्क वगैरह कर रहा है इसीलिए। तो चलिए देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब चल रही हूँ नीचे दुकान में। तो चलिए दुकान में चलते हैं, चल के आपसे को भी ले चलते हैं दुकान में। आज मैंने कुछ और दूसरी कुर्ती निकाल कर पहनी है गाइस, देख सकते हो आप। और पैर लोवर पहना है नीचे। चलिए चलते हैं नीचे दुकान में। तो गाइस मैं दुकान में आ चुकी हूँ, अपन देखा और मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे और कस्टमर बैठे हुए थे, मैं दुकान में आकर बैठ चुकी हूँ। अब मैं शाम के 8 बजे तक दुकान में ही रहूँगी, उसके बाद जाऊँगी ऊपर तो खाना पीना बनाऊँगी। तो आप देख सकते हो ये मेरी बिटिया का खिलौना पिगी बैंक है, लेकिन पिगी बैंक का नीचे का निकाल कर फेंक दिया, पता नहीं क्या चीज़ है, उसका नीचे का निकाल कर फेंक दिया गाइस। तो पता नहीं क्या कहते थे, सामने वाले भैया देख के हंस रहे हैं तो मैंने भी हंस दिया है। तो चलिए आप हमारे साथ भी हंसिए और क्या, आप भी हंसिए हमारे साथ। क्या हो रहा है? चुंडी पकड़ रही हो? हाँ। बदमाशी कर रही है तुम लोग? बदमाशी कर रही हो? हाँ। क्यों बदमाशी हो रहा है? ये देखो चुंडी पकड़ रही है। मजा आ रहा है, सोए हैं चाची, तो बदमाशी कर रही हो? हाँ। तुम लोग की बदमाशी हो रही है? बदमाशी हो रही है इलू, पिटाई होगी पिटाई। ये जब सोए हैं तो उनका सब चुट्टी पकड़ के हिला रहा है, रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, दोपहर में रेस्ट कर रहे हैं। क्या दो, क्या दो, क्या लेने के लिए गई? क्या लोगी? मांगो, गिर जाओगी, चीनू गिर जाएगी। बाबा क्या हो गया इलू, क्या हुआ? मेरे पास आ गई, तो मेरे पास आ गई पगलू, पगलुआ मेरे पास आ गई। तो मेरे हस्बैंड रेस्ट कर रहे हैं और मैं बैठी हूँ, तो ये लोग अपना बदमाशी कर रही है उनके साथ। कहाँ गई तुम? ऑर्डर था उसे लिखना था, लिख चुकी हूँ। गाइस मैं दुकान में बैठी हूँ और दुकान में बैठ कर अपना काम कर रही हूँ, ऑर्डर वगैरह लिख रही थी। तुम क्या खा रही हो? क्या खा रही हो? क्या खा रही हो? क्या है, क्या है, क्या है, हमको भी दे दो। देखिए गाइस हमको दे रही है, आ देकर खा ली, हमको नहीं दी, दो हमको, थैंक यू। अब तुम खा लो, गुड गर्ल है ना, इसकी दे दो। इसकी देती है
भिंडी ले आए। अभी तो पीना ले डब्बा है, -75 सिलेंडर है। देख रहे -75 सिलेंडर। पीना ले डब्बा में सिलेंडर रखा -0.75। हार्ड कोर सिलेंडर वाला ना। -75 सिलेंडर 50 कहाँ है? एक पेयर, दो पेयर, ढाई पेयर। हाँ किसको चाहिए? ढाई पेयर, ढाई पेयर तो है ही है, फिर लिखवाने का फायदा आपको। बस एक ही पेयर आइटम ऑर्डर नोट करवाए। और देखो पीजी प्लेन क्या कह रहा है उसमें, पीजी पीजी माइनस टू लिखा है। प्लेन से दूर तक उसमें रहता है। देखो वो प्लेन क्या कह रहा है, प्लेन से दूर तक इसमें रहता है। प्लेन देखना है। हाँ प्लेन -25 प्लेन एक पेयर। प्लेन आपका एक पेयर है। हाँ ठीक है, नोट करो उसको। फाइन प्लेन क्या पीजी है ना? हाँ प्लेन पीजी हार्डकोर, प्लेनो पीजी हार्डकोर, प्लेनो पीजी हार्डकोर। प्लेनो आप कैसे लिखते हैं? कोडा पी एल ई एन ओ पी प्लेनो। देख रहे तुमको लगेगा कितने बस जमा करे हार्ड कोड। हाँ अपने भाई के बस तीन पेयर ना। हाँ तीन पेयर प्लेनो पीजी हार्ड कोड। प्लेनो डेढ़ वाला पोली है आपकी, ये नोट है ना? पीजी हार्ड कोड लिख दिए, अब सेंड कर दे तीनों। गाइज मैं घर में आ चुकी हूँ और मैं सब्जी काट रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, तो देखिए गाइज मैं भिंडी काट रही हूँ। चलिए फटाफट से भिंडी काटते हैं। देखिए मैं भिंडी काट रही हूँ, यहाँ भिंडी को तो मैं धुल के रख लिया है, पानी में ही है, तो निकाल निकाल के करके काट रही हूँ यहाँ पे। चलिए भिंडी काट के फटाफट भिंडी की सब्जी और रोटी बनाऊंगी मैं। सो गाइज चलिए भिंडी की सब्जी बनाते हैं। तो हमारा कढ़ाई गर्म हो गया, तो इसमें हम सबसे पहले तेल डाल देंगे। तेल डाल देते हैं, तो मैंने सोचा गाइस चलिए खाना बनाकर डाल देते हैं, आपसे कब तक हो जाए गाइस। आज दुकान में मैंने काफ़ी काम था, काम क्या था बस वही हिसाब किताब लिखना था गाइस। वो कौन पावर आ रहा नहीं आ रहा ये सब सब यही सब लिखना था, तो मैं यही सब कर रही थी गाइस, सब कर रही थी। और अपना जो ऑर्डर का जो आता है चश्मे का पावर का जो ऑर्डर आता है वही सब लिख रही थी अपना, वही मुझे यही काम दिया गया है, तुम दुकान में बैठ के यही सब करना और कुछ नहीं करना। और मैं जो कुछ आता है खाएं थोड़ा बहुत फाइबर वगैरह काट लेती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ फाइबर की, सब करती हूँ। तो चलिए भिंडी गर्म हो गया, भिंडी डाल देते हैं। तो भाई मैं भिंडी की सूखी सब्जी बनाने जा रही हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ करता नहीं है। भिंडी को पहले मैं अच्छे से लाल कर लूँगी, तेल में फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा तेल नहीं डाला, इतना डाला है कि भिंडी अब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि भिंडी में का तेल लगता है, तेल नहीं रहता है तो जो भिंडी का लहसुन होता है उसमें लहसुन रहता है गूंद जाता, अगर वो नहीं जाता तो भिंडी हमारी टूट जाती है। इसलिए हम अच्छे से पहले भिंडी को तेल में अच्छे से फ्राई करते हैं कि उसका लहसुन हट जाता है, तब धीमे आँच से ढक के पकाते हैं। और बनाऊंगी रोटी। आटा मेरा दोपहर का सना हुआ है, तो दोपहर को रोटी मैंने बनाया था तो आटा सना हुआ है, तो बस उसी आटे का रोटी बनाऊंगी मैं। तो गाइस बताइए आप लोग सब कैसे हो,
आप लोग मेरे वीडियोस को तो आप लोग तो जरूर देखते हो गाइस, तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियोस को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। प्लीज गाइस आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बस इतना ही तो मैं चाहती हूँ आप लोगों से। तो गाइस हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, मैंने और बाबू ने खाना खा लिया, बेटे ने मेरे, और मैंने सारा बर्तन वगैरह भी धो लिया, सुबह का झंझट हटा दिया। अभी फिर मेरे हस्बैंड बाकी और मेरी बिटिया को मैं खाना खिलाने जा रही हूँ। देखिए वो कच्चे नींद से उठी है तो रो रही है, अब उसे खाना खिला दूँगी और सो जाएगी। तो चलिए आप लोगों को इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक ले तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए गाइस। ओके गाइस तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब का खैर। ओके गाइस बाय बाय।